वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 बीसीके का फोर्थ पार्ट करेंगे। सर, आज के बाद कितने पार्ट आएंगे ये चैप्टर बेटा, आज खत्म हो जाएगा। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा। और कुछ ही देर का चुट्टू सा टॉपिक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, आपने समझा, इसको लर्न नहीं किया, हमने समझा, अंडरस्टैंड किया, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, डेफिनेशन को डिट्टो याद करना जरूरी नहीं है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हमने समझी, स्टॉक मार्केट की हमने समझी, फिनांस की हमने समझी। सर, आज कौन सी मार्केट की? आज बेटा पर्टिकुलर कोई मार्केट नहीं है, आज अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी है। इट मीन्स ये ऐसी बातें आज हम करने जा रहे हैं जो नॉर्मली किसी भी बिजनेस में यूज की जा सकती हैं, तो ये कॉमन है, समझ रहे हैं, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी। और आज का ये डेफिनेशन समझने के बाद हमारा कॉमर्स जगत की, व्यवसाय जगत की बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स से हम वाकिफ हो जाएंगे। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है एक्विजिशन क्या होता है बिजनेस के अंदर। वैसे तो एक्विजिशन की हिंदी होती है प्राप्त करना या लेना, एक्वायर करना, एक्वायर वर्ड से बना था एक्विजिशन। तो यहाँ एक्विजिशन का मतलब क्या बेटा, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। मर्ज नहीं बोला बेटा मैंने, दो कंपनियाँ मिल जाती हैं उसको मर्जर बोलते हैं, एक कंपनी टूट के अलग हो जाती है उसको डीमर्जर बोलते हैं। एक्वायर कर लिया, पूरा का पूरा अपने अंदर समा लिया, इसको एक्विजिशन बोला जाता है। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एक्विजिशन। नॉर्मली 99% क्या होता है, स्ट्रॉन्गर कंपनी वीकर कंपनी को अपने अंदर ले लेती है, एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, पर कई बार उल्टा भी हो जाता है, वीकर कंपनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी को ले लेती है। जी चलिए, सेकंड पॉइंट है बैंकक्रप्टसी क्या होती है। बैंकक्रप्टसी एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये वर्ड इसके लिए बहुत याद रखना बेटा आपको हमेशा, बैंकक्रप्टसी एक इकोनॉमिक सिचुएशन है। एक इकोनॉमिक सिचुएशन किसकी, इंसॉल्वेंसी की, जब आदमी की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी एसेट उसको चुकता ना कर पाए। जब आदमी की लायबिलिटीज एसेट्स के से ज़्यादा हो जाती हैं और वो चाहे भी लायबिलिटी को पूरा ना कर पाता हो, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है बैंकक्रप्टसी। फिर वो बैंकक्रप्टसी कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट की मदद से फिर उसके जो डेट्स वगैरह होते हैं, लायबिलिटीज वगैरह होती हैं, उनको सुलझाया जाता है। तो देखिएगा क्या लिख रखा है, बैंकक्रप्टसी रेफर टू एक इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी वेर इन, जहाँ किसी बंदे की एसेट्स को अगर लिक्विडेटेड बेचा जाता है तो वो पे नहीं कर पाता अपनी सारी लायबिलिटी को, इस टाइम पे उसको बैंकक्रप्टसी ट्रस्टी और कोर्ट ऑफ लॉ कानून की तरफ से मदद दी जाती है और उस सिचुएशन से उसको बाहर निकाला जाता है। तो बैंकक्रप्टसी एक ऐसी सिचुएशन है, एक लाइन में बोलो तो, जिसकी एसेट्स सक्षम नहीं है अपनी लायबिलिटी को चुकता करने में। तीसरा है बॉटम लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला मैंने बॉटम लाइन के लिए। बॉटम लाइन कहते नहीं भाई, ये चीज़ तो इस बंदे के लिए बॉटम लाइन है बेटा। अगर इसी टाइम ऑक्सीजन अगर पृथ्वी से ख़त्म कर दी जाए, धरती से ख़त्म कर दी जाए, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सांस लेने बिना तो बेटा आप 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो हर बंदे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। क्या उस टाइम पे रुपया पैसा घर घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन। एक हिंदी में समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी पर्सन के लिए जिस भी टाइम पे होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन बोलते हैं। ये लगा लो, इसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बोलते हैं बॉटम लाइन। सर, ये इसका बिजनेस में क्या यूज है? हर बिजनेस की बॉटम लाइन क्या होती है बेटा? हर बिजनेस की परफॉर्मेंस, हर बिजनेस की बॉटम लाइन एक ही चीज होती है, नेट प्रॉफिट। सारे एक्सपेंस घटाने के बाद उसने कमाया क्या है, उसकी इनकम क्या है। अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो फिर अपना खर्चा कैसे चलाएगा बेटा? वो लिक्विडेट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बॉटम लाइन पुराने जमाने में क्या थी, हर बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना बॉटम लाइन थी। लेकिन आज के जमाने में बॉटम लाइन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अब बॉटम लाइन नहीं है, प्रॉफिट अभी भी बॉटम लाइन है, बट इसके साथ दो चीज़ें और जोड़ देगी बेटा, दो चीज़ें और जोड़ देगी। एक का नाम है केयर फॉर पीपल और एक का नाम है केयर फॉर प्लैनेट। ध्यान से रखना बेटा, मैंने बॉटम लाइन में प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है बिजनेस के लिए, उसके साथ मैंने दो चीज़ें प्लस करी हैं, एक केयर फॉर पीपल, एक केयर फॉर प्लैनेट। केयर फॉर पीपल का दूसरा नाम सुन लो, केयर फॉर पीपल का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, समाज के लिए आपने क्या किया है। और केयर फॉर प्लैनेट इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट, आपने एनवायरमेंट के लिए क्या किया है। तो आज के टाइम पे बॉटम लाइन में तीन चीज़ें, इसको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, इसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते हैं, TBL, TBL के नाम से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। पुराने टाइम में क्या होती थी, सिर्फ प्रॉफिट, आज भी प्रॉफिट है, लेकिन दो चीज़ें और साथ में जोड़ दी गई हैं, क्या, केयर फॉर पीपल और केयर फॉर प्लैनेट। केयर फॉर पीपल, केयर फॉर प्लैनेट के दूसरे नाम क्या है, केयर फॉर पीपल को कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी भी बोला जाता है और केयर फॉर प्लैनेट को कंट्रीब्यूशन टू एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस भी बोला जाता है। तो समझिएगा आप इसमें क्या लेकर का है, बॉटम लाइन। इन प्लेन इंग्लिश बॉटम लाइन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
सबसे जरूरी चीज को क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन। इन बीसीके में अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट्स। सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो निकल के आता है उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अब सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट लाइन पे ध्यान देना, नेट प्रॉफिट अलोन, किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट अलोन उसका बॉटम लाइन नहीं होता आज के टाइम पे। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, उसने समाज को क्या दिया, एंड कंजर्वेशन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए उसने क्या किया, इन चीज़ों का भी बॉटम लाइन में देखा जाता है। इसलिए सबसे तीनों को मिला के मिलता है क्या, ट्रिपल बॉटम लाइन। चलिएगा, आपको बॉटम लाइन समझ में आ गया बेटा, फिर से रिपीट करवा दूं, बॉटम लाइन मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिजनेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पुराने टाइम में क्या होता था, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट आज भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ जो चीज़ें जोड़ दी गई हैं, क्या कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया, केयर फॉर पीपल, एंड प्लेनेट के लिए आपने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इन दो चीज़ों को भी बॉटम लाइन में जोड़ दिया गया, तो पहले होती थी एक, अब जोड़ दी दो, तीनों को मिला के बनती है ट्रिपल बॉटम लाइन जो आगे आएगा। जी सर, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं जो मार्केट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमें इफेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। कोई मुश्किल नहीं था। बिजनेस फैसिलिटेटर की बात हमने लास्ट में चैप्टर आया था, उसमें बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर खूब चर्चा की थी। और एक लाइन में अगर कोई पूछे बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है, जो हमारे बिजनेस को ईजी बना देते हैं, जो हमारी डूइंग ऑफ बिजनेस को ईजी बना देते हैं, उसी को बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं। चाहे हमें बिजनेस सेट करना हो, चाहे हमें बिजनेस कैरी करना हो, चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालना हो, जो लोग हमें मदद करने के लिए आते हैं उसको बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सप्लायर हैं और कुरियर वाले हैं, ये सभी लोग क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। किसके, जैसे बेटा पुराने टाइम में मैम बताती थी कम्युनिटी हेल्पर कौन कौन होते हैं, ऐसे बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं जो बिजनेस की डूइंग ऑफ बिजनेस को ईजी बना देते हैं। चलिएगा, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा मेरे बच्चों, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सर, एक कॉर्पोरेट फॉर्म होता है, एक प्रोप्राइटरी फॉर्म होता है, सभी को पता है। प्रोप्राइटरी फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी दुकानदारी, कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब उसने कंपनी या कोई फॉर्म बना रखी, कंपनी बना रखी होगी। तो सर, कॉर्पोरेट फॉर्म और प्रोप्राइटरी फॉर्म में कोई अंतर बताइए, एक डिफरेंस ऐसा बता दीजिएगा जिससे पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बेटा कॉर्पोरेट फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से एसेट खरीदती है, अपने नाम से एसेट बेचती है, कंपनी का नाम चलता है, मालिक अलग होता है और कंपनी अलग होती है। कभी भी ये नहीं कह सकते ये इसकी कंपनी है, ऐसा कभी नहीं। कंपनी बेवफा होती, वो किसी की नहीं होती, कंपनी स्वयं भू खुद की मालिक होती है। कोई भी बंदा आज तक ये नहीं कह सकता ये मेरी कंपनी है, नहीं, कंपनी स्वयं भू खुद की मालिक होती है। तो ओनर अलग होते हैं, मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ना तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकता है मेरी कंपनी है, ना शेयर होल्डर कह सकते हैं मेरी कंपनी है, जी नहीं, कोई नहीं बोल सकता। कंपनी की मालिक स्वयं कंपनी होती है और कंपनी अपने नाम से काम करती है, अपने नाम से एसेट्स खरीदती है, अपने नाम से लाइबिलिटी बुक करती है, अपने नाम से सारी चीज़ें करती है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म, जब सब चीज़ों से इसको एक अलग मान्यता दी जाती है, एक अलग लीगल पहचान दी जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म। सर, प्रोप्राइटरी फॉर्म में क्या दिक्कत है? बेटा प्रोप्राइटरी फॉर्म में जब आपकी खुद एक बंदे की दुकानदारी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वहीं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बिजनेस की लाइबिलिटी मतलब आपकी लाइबिलिटी, बिजनेस की देनदारी मतलब आपकी देनदारी, बिजनेस की एसेट मतलब आपकी एसेट, मतलब आप कुछ नहीं, आप और बिजनेस अलग अलग नहीं होते। किसमें? प्रोप्राइटरी फॉर्म में। और कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर आप और बिजनेस अलग अलग होते हैं, आप और बिजनेस अलग अलग होते हैं। चलिएगा, तो कॉर्पोरेट फॉर्म में पहले दो लाइन देख लीजिएगा, दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आइज ऑफ लॉ की नज़र में बिजनेस को एक डिस्टिंक्ट, एक अलग से एक्टिविटी माना जाता है, एक अलग से एंटिटी माना जाता है। किससे? ओनर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस वर्ड बना है, गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है बेसिकली? अगर हम कहें, हमारे परिवार के अंदर भी फैमिली गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस हर जगह पे होता है, गवर्नेंस हर जगह, रूलिंग्स को क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। अगर किसी घर में सबसे पूछ के काम होता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट की जाती है, कोई बिना पूछे बाहर नहीं जाता है, कोई फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करता है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, बड़े छोटे की इज्जत की जाती है, तो इसमें मतलब इस फैमिली में क्या है? गवर्नेंस है। ऐसे ही एक वर्ड आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है, बड़े ध्यान सुना बेटा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा ये इवेल्युएट किया जाता है, मेजर किया जाता है, क्या कंपनी जितनी भी हैं, क्या वो एथिकल मैनर में काम कर रही हैं, और क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। तो एक लाइन में हम कैसे बोलें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए सिस्टम बाय विच, जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसको, बिजनेसेस एंड कंपनीज को, क्या वो डूइंग ऑफ बिजनेस वो कैसे कर रही हैं, क्या वो एथिकल मैनर में काम कर रही हैं और क्या वो लॉ को फॉलो कर रही हैं, नहीं कर रही। तो गवर्नेंस सिंपली एक चेक है, जो ये चेक करता है कंपनी के अंदर रूल रेगुलेशन है या नहीं। देखिएगा, इट इज़ ए सिस्टम जिसके अंदर कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन, कंपनी के अफेयर
अफेयर्स को एंश्योर किया जाता है, क्या दे आर कंडक्टेड इन एथिकल मैनर, क्या उनको एथिकल मैनर में किया जा रहा है और क्या वो लॉज के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्रैकेट क्लोज। इतना ही था आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया गया था, क्या कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करवाई जाए नहीं करवाई जा रही, क्या कंपनी के अकाउंट्स की टाइम टू टाइम से भी RBI की रिपोर्ट दी जाती नहीं जाती, सब चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग करना ही क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बेटा ई कॉमर्स भी बोलते हैं। एक होता है ई कॉमर्स, एक होता है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स आया था बेटा पहले, एम कॉमर्स आया था बाद में। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स का नेक्स्ट वर्जन एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। जो काम पहले सिस्टम पे होते थे, कंप्यूटर्स पे होते थे, एक फिक्स जगह रख के होते थे, अब वो सारे काम मोबाइलिटी के अंदर, मोबाइल के अंदर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन का बेटा एम कॉमर्स है। डूइंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या डूइंग ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली नॉन एज ई कॉमर्स। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। और जब उसके अंदर मोबाइल्स यूज हो जाते हैं, उसको एम कॉमर्स बोला जाता है। जी सर, तो दो लाइन आप इसकी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ई फाइलिंग क्या होता है, ई फाइलिंग के वर्ड से आप हो सकता है वाकिफ हों। जितनी भी ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी जाती हैं, GST रिटर्न्स भरी जाती हैं, बेटा आजकल ये मैनुअली नहीं भरी जाती, आपको www.efiling.incometaxgovernment.in पे की साइट पे जाना होता है। साइट पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक ई फाइलिंग कर सकते हैं। गया पुराना टाइम जब मैनुअली ITR भर के आप जमा कराते थे, अब आपको ऑनलाइन ही जमा करानी पड़ती हैं। घर बैठे नेट की कनेक्टिविटी से कोई भी ITR या कोई भी GST आपके बिजनेस के एनरोल करके आप भर सकते हैं। इसको ई फाइलिंग बोला जाता है। सर ई फाइलिंग तो आपने सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में GST भर, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। ई फाइलिंग का एग्जैक्टली मतलब है रेगुलेटर्स जो हैं, जैसे RBI है, SEBI है, उनकी जो डिमांड है, जो आपसे कुछ मांगते हैं, रिटर्न्स मांगते हैं, स्टेटमेंट्स मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, वो स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे बैठे फाइल कर देना ई फाइलिंग कहलाता है। देखिए ई फाइलिंग इज अ सिस्टम। ई फाइलिंग क्या है, इज अ सिस्टम। क्या किस चीज़ का सिस्टम, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन। कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसने मांगी, रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स। और कैसे भरनी है, इलेक्ट्रॉनिकली भरनी है। एग्जांपल दे रखा है इन टैक्सेशन, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, टैक्स फॉर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्लोबलाइजेशन बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल बैरियर्स को हटा, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जितने भी बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव कर देना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। गुडविल पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं और उसकी एसेट्स की बुक वैल्यू 5 लाख रुपए है और फिर भी उस कंपनी को आप 8 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना, जो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं, चीज कितनी की आ रही है, 5 लाख रुपए की, तुम पे कितना कर रहे हो, 8 लाख, डिफरेंस कितना, 3 लाख। ये 3 लाख रुपए जो आपने दिए हैं, ये पागलपन में नहीं दिए, उस कंपनी की गुडविल के नाम के दिए, उसकी इज्जत के नाम के दिए, उसकी रेपुटेशन के नाम के दिए। समझ गए, डिफरेंस जो आ रहा है और जो पे कर रहे हैं उसमें अगर हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ऐसे ही पे नहीं करते, सामने वाले का मार्केट के अंदर नाम होता है, इज्जत होती है, जो उसने कमाई हुई होती है उसका भी। आपने गुडविल को शायद आपने +1 +2 में थोड़ा बहुत जाना होगा कि गुडविल क्या होती है। उतने ही पैसे लगा के अगर कोई बंदा हमसे एक्स्ट्रा कमा रहा है तो किस वजह से एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसी को गुडविल बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको पता है, किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें तो बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाई, मेनली बेटा इसके अंदर एयरपोर्ट, आपका रेलवे स्टेशन, आपकी रेलवेज, आपके बिल्डिंग्स, आपके रोड्स, आपके टोल रोड्स, इन चीज़ों को देखा जाता है, इसको बोलते हैं इंफ्रा। सर फर्म का और बिजनेस के अंदर इंफ्रा का मतलब क्या है, आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिसेस, आपके वेयरहाउस, आपका काम करने का एनवायरनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट पे बेटा आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी समझना बेटा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है एंड बाय प्रोडक्ट क्या है। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, अब ध्यान सुनो, यहाँ से कोई कॉमन प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, चलती गई, यहाँ आ गई, यहाँ तक प्रोसेस एक जैसी है। मैंने यहाँ रॉ मटेरियल डाला, मशीन में प्रोसेस हुआ, यहाँ आ चुके, अब यहाँ से आगे उससे ए भी बना सकते हैं, इसी चीज़ से हम बी भी बना सकते हैं, इसी चीज़ से हम सी भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस तो है सेम, इसके बाद हम ए भी बना सकते हैं चाहे तो, इसी चीज़ से बी भी बन सकता है और इसी चीज़ से सी भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल जब रॉ मटेरियल से कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनने तक की प्रोसेस क्या है, सेम। अब इस कपड़े से बच्चों के गारमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, मेल्स के गारमेंट भी बनाए जा सकते हैं, फीमेल के गारमेंट भी बनाए जा सकते हैं, तो कपड़ा बनने तक की प्रोसेस क्या है, सेम। तो जब कुछ प्रोसेस सेम होती है उसके बाद उससे मल्टी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इसको ज्वाइंट प्रोडक्ट बोला जाता है। जिसकी प्रोसेस एक जैसी होती है, जिसकी प्रोसेस सेम होती है, इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जी सर। सर फिर बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, जो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाते वो हर निकल अपने आप कुछ और बन जाता है। जैसे एक दर्जी होता है, एक टेलर होता है, वो बनाता क्या है, सूट सलवार या कोट पैंट बनाता है, तो कतरन अपने आप निकलती हैं। कतरन समझते हैं? जी सर, वो अपने आप निकलती हैं।
वो कतरन नहीं बनाता, वो सूट सलवार बनवाता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जब गोल्डन निकालते हैं, जब पेट्रोल निकालते हैं, तो डीजल और मिट्टी का तेल बाय प्रोडक्ट होता है। तो मेन प्रोडक्ट बनाते टाइम जो चीज़ अपने आप बन रही होती है उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिएगा, लिबरलाइजेशन भी टाइम ने खूब डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर रखी है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस नोन एज लिबरलाइजेशन। और ये LPG आया था, L फॉर लिबरलाइजेशन था, P फॉर प्राइवेटाइजेशन था और G फॉर ग्लोबलाइजेशन था। ये हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के चैप्टर में बहुत डिटेल से सीखा था। लॉजिस्टिक आपका इंपॉर्टेंट है, पहले भी सिखा चुका हूं। लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज ना करके लॉजिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट मटेरियल कैसे पहुंचाया जाए, इसको लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। कई बार लॉजिस्टिक को थोड़ा सा घुमा देता है, उसके दो पार्ट कर देगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। माल का लाना, इनपुट का लाना इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है, और माल तैयार करने के बाद भेजना, आउटपुट को भेजना आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है। तो लॉजिस्टिक टू टाइप की होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जी सर, दो कंपनियों का आपस में मिलना मर्जर कहलाता है, कोई इशू नहीं था। मिशन क्या है, मिशन क्या है, पहली बात विजन अलग होता है बेटा, मिशन अलग होता है। विजन, विजन, विजन कभी भी दो नहीं होती, विजन एक ही होता है। मुझे बनना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विजन है, मुझे बनना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विजन है, लेकिन मैं अब की बार इस पेपर को निकाल के इतनी रैंक लेके आऊंगा, ये मेरा मिशन है। भारत का विजन 2000, भारत का विजन क्या है, मुझे विश्व गुरु बनना है। मिशन क्या है, 2050 तक सबको पक्के मकान दे देने हैं। मिशन को क्या मतलब, अल्टीमेटली इन पे सकते हैं, मिशन किसी चीज को क्वांटिफाई कर दिया जाता है, किसी चीज को क्वांटिफाई कर दिया जाता है। जैसे कैडबरी का, मुझे नंबर वन, कैडबरी का क्या है, मुझे नंबर वन मार्केट बनना है इंडिया के अंदर, लेकिन इस साल मुझे 100,000 प्लस की सेल करनी है, इस साल मुझे इतने की सेल कर देनी है, इसको मिशन बोला जाता है। तो विजन एक बड़ी चीज है, मिशन उसका एक पार्ट है। मुझे बनना CA है, विजन है, इस बार मैं पेपर निकाल दूंगा, ये मिशन है। समझ रहे हैं, विजन एंड मिशन, विजन एक ही होता है, मिशन पार्ट पार्ट में आपका हो सकता है। तो मिशन हमेशा, मिशन की खास बात क्या बेटा, मिशन बनाते हैं लोग दूसरों को देख के, मिशन बनाते हैं लोग फ्यूचर को देख के, मिशन बनाते हैं लोग पास्ट को देख के, नहीं, मिशन बनना चाहिए प्रेजेंट को देख के, क्योंकि आज हम क्या कर सकते हैं वही मिशन होना चाहिए। दूसरों को देख के मिशन तय करोगे तो हमेशा फंसोगे। मिशन क्या है, ए मिशन ए टिपिकली हमें फोकस हो जाना होता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप के अकॉर्डिंग, हु वी आर, हम हैं कौन, एंड व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को बोला जाता है मिशन। तो इस चीज़ ध्यान रखना बेटा, मिशन हमेशा प्रेजेंट स्कोप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो, आगे की बातें छोड़ दीजिएगा। पेस्ले या पेस्टल एनालिसिस आपको पता होगा, ये एक निमोनिक है, ये क्या है, एक निमोनिक, पी फॉर, और ये पेस्टल नाम का जो बंदा था उसने क्या किया था, मैक्रो एनवायरनमेंट्स की चीज़ों को उठा के एक नया नाम दे दिया गया था जिसको पेस्टल बोला जाता था। आपको मैंने पढ़ाया भी था, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। इन ये सभी मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं, इनको कंबाइन करके नया निमोनिक बना दिया, पेस्टल एनालिसिस। प्रोप्राइटी फॉर्म का बेटा ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, आपको पता भी होगा प्रोप्राइटी फॉर्म क्या है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कॉर्पोरेट फॉर्म क्या है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्राइवेटाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिटर्न्स एंड रिस्क के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, रिटर्न्स एंड रिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो बेटा उसके दो पहलू होते हैं, या तो फायदा आएगा नुकसान आएगा। कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, रिटर्न्स भी आ सकती हैं, रिस्क भी हो सकता है। सर रिस्क क्या है, जो सोचा था वैसा ना होना, सोचा था 10% पैसा कमाऊंगा, आज 3% ही पैसा आ रहा है, तो 7% आपका रिस्क आ गया। तो किसी भी बिजनेस के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा, ऐसे बिजनेस के दो पहलू होते हैं, रिटर्न भी आ सकता है, रिस्क भी आ सकता है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा है, दीज आर द टू साइड ऑफ बिजनेस आउटकम। ओनर के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, रिस्क भी आ सकता है, रिटर्न्स भी आ सकती है। जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर वो यूं की यूं पूरी हो जाती हैं तो रिटर्न्स हो जाती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन अगर रियलाइज नहीं हो पाती है तो उसको रिस्क बोला जाता है। सर हमने एक वर्ड सुना, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, जिसका आना सर्टेन होता, जो आएगा ही आएगा, उसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा होती ही होती हैं। फॉर एग्जांपल FD, बैंक के अंदर FD करा दो, 5% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये रिस्क फ्री रिटर्न कहलाता है। जी सर, अब नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी को पता है, विकास करना डेवलपमेंट है, लेकिन विकास के आगे क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। बेटा सस्टेनेबल का मतलब होता है ओवर द टाइम। अरे हमारी वो ग्रोथ
क्या काम की, हमारी वो ग्रोथ, हमारा विकास किस काम का, अगर आने वाली जनरेशन को हम शुद्ध हवा और पानी, ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलता है? सच्चा विकास वही है, एक सच्चा डेवलपमेंट वही है जो दूसरों को ख़त्म करके नहीं, सारी प्लेनेट को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। इट मीन्स एक बिजनेस के अंदर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ खूब, लेकिन एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, तो ऐसा प्रॉफिट किसी काम का नहीं है। मेरा बिजनेस जो है वो ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस का सारा वेस्ट जो है वो नदियों के अंदर डंप कर दिया जाता है, ये नहीं है। आने वाले टाइम में हवा, पानी, पौधे नहीं बचेंगे, तो हमें एक सच्चा डेवलपमेंट वो है जो इकोनॉमिक पैरामीटर भी देखता है। इकोनॉमिक क्या? पैसा भी कमाना है, और नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर भी देखता है। नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर में फिर से वही बात आएंगी जो मैंने TBL ट्रिपल बॉटम लाइन में बताई थी। क्या आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये है डेवलपमेंट, और दूसरा आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये है डेवलपमेंट। इसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोला जाता है। देखिएगा क्या लिख रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ब्रॉडर मेजर है किसका, डेवलपमेंट का, जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों पैरामीटर को पूरा करता हो। इकोनॉमिक में क्या आता है? प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना एटसेट्रा। और नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है? एनवायरनमेंट को कैसे आप कंजर्व करते हैं, और सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता कैसे लेके आते हैं। और इन मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में इसको TBL भी बोला जाता है, TBL ट्रिपल बॉटम लाइन। आपको याद है बॉटम लाइन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ जो चीज़ें ऐड कर दी, क्या? कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूशन टू प्लेनेट, केयर फॉर पीपल, केयर फॉर प्लेनेट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉटम लाइन। एक फिक्स पीरियड का अगर इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लीजिए ये आ गया आपका ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है। ये BCG की एक फिलॉसफी है, बिजनेस करने की फिलॉसफी है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, सिर्फ प्रॉफिट को अटेनमेंट करना। हाँ, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तभी सच्चा पूरा हो सकता है जब आपने केयर फॉर पीपल और केयर फॉर प्लेनेट किया। ये दोनों वर्ड आपको दे रखें, केयर फॉर प्रॉफिट, केयर फॉर पीपल और केयर फॉर प्लेनेट, इन तीनों को जोड़ दें, तीनों होते हैं किसी बिजनेस के लिए बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन। इट मीन्स वी कैन से जितना जरूरी प्रॉफिट है, जितना जरूरी प्रॉफिट है उतना ही जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस करना, एनवायरमेंट को कंजर्व करना और सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना। टर्न अराउंड, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बेटा, टर्न अराउंड क्या होता है? रिवर्स द प्रोसेस। सर इसका बिजनेस में क्या यूज़ है? बेटा कोई बच्चा अगर फाउंडेशन में फेल हो जाता है कि इसको तुरंत उठा के बाहर फेंक देना चाहिए या उसको चांस देना चाहिए? सर चांस देना चाहिए। उससे पूछेंगे टीचर खराब थे, हाँ पापा कोचिंग अच्छी नहीं थी, कोचिंग चेंज करो। सर पापा घर पे पढ़ने का माहौल नहीं था, लाइब्रेरी ज्वाइन करा दो। और क्या दिक्कत थी? पापा मेरा पेन, मेरे पास पेंसिल्स अच्छे नहीं, मेरे पास बुक्स अच्छी नहीं थी, बुक्स अच्छी ले ले। इट मीन्स जो उस बच्चे ने कमी बताई, एक बार मौका देके सारी कमी दूर करके देखो। कमी को दूर करना, कमी है उसको दूर करना, रिवर्स कर देना टर्न अराउंड कहलाता है। तो कोई कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो उस कंपनी को तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। मेरे पाँच बिजनेस हैं, पाँच बिजनेस में से ये प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में, ये अगर नुकसान में है, ये अगर नुकसान में है तो पूरी कंपनी थोड़ी ना बंद करनी है। इससे पूछना, भाई तो नुकसान में क्यों है, इसकी रिकवरी करवानी है, इससे कमी पूछनी है, कमी पूछ के उसको दूर करना टर्न अराउंड कहलाता है। सर वो बच्चा फिर भी ना चले तो? बार बार करने के बाद भी अगर वो बच्चा ना चलता तो लास्ट में उसकी स्ट्रीम चेंज करवाना ही फायदा होता है। सेम बिजनेस के अंदर है, अगर किसी बिजनेस की, किसी प्रोडक्ट की कमी दूर करने के बाद भी वो प्रोडक्ट अगर प्रॉफिट नहीं दे पा रहा और आपने टर्न अराउंड कर करके आप पस्त हो चुके हैं, तो लास्ट में आपको उस प्रोडक्ट को अबेंडन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है? किसी को भरपूर मौका दिए बिना, किसी को भरपूर अवसर दिए बिना उसको बंद करना लाजमी नहीं है। इसलिए अगर आपके पाँच बिजनेस में से एक लॉस में जा रहा है तो पहले उसका लॉस का कारण देखो, कारण को रिवर्स करो, 99% प्रॉफिट में आ जाएगा। और वो फिर भी प्रॉफिट में नहीं आता, उसके बाद इसको बंद कर देना चाहिए, डायरेक्ट कलम नहीं करना है। आगे विजन क्या है? विजन रोड मैप है किसी कंपनी का, फ्यूचर का, फ्यूचर में तुम क्या बनोगे, इसी को आज विजन बोलते हैं। फ्यूचर में मुझे बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपका क्या है? विजन है। जो फ्यूचर में आप क्रिएट होना चाहते हैं, जो फ्यूचर में आप क्रिएट होना चाहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? विजन बोलते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस बेटा, टर्म इंश्योरेंस है एक साल का, जैसे बाइक गाड़ी का करवा रखा है। होल लाइफ इंश्योरेंस जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट के घटने पर आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, इसको होल लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था क्या वो डेफिनेशन? बधाई हो, डेफिनेशंस ओवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और इन क्वेश्चन को आपको घर पर एक बार रीड जरूर कर लेना है। चार चुट्टू मुट्टू सी वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है। जिसको चैप्टर अंडरस्टैंड एक बार हो गया, ओवर।
दोबारा बार बार चीज़ों को देखना और समझने की जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा ट्रिपल बॉटम लाइन, तुरंत क्लिक करेगा, सर ने बोला था बॉटम लाइन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक साथ दो चीज़ें और जोड़ दो, क्या केयर फॉर पीपल, केयर फॉर प्लैनेट, क्या बन गया ट्रिपल बॉटम लाइन। सर ने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट किसी का काम का नहीं जो दूसरे को मार के डेवलपमेंट करता है, हमें क्या करना है इकोलॉजिकल बैलेंस करना है और सोशल इक्विटी लेके आनी है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी सर, सर ने बताया था ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके बैरियर्स को हटा देना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। एक्विजिशन, जब एक स्ट्रॉगर कंपनी वीकर कंपनी को उठा के अपने अंदर ले लेती है, इसको क्या बोलते हैं एक्विजिशन बोला जाता है। बिजनेस फैसिलिटेटर, जो हमारे बिजनेस को डूइंग ऑफ बिजनेस को ईज कर देते हैं, इसको बिजनेस फैसिलिटेटर बोला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको तुरंत क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है बेटा, यही है अंडरस्टैंडिंग, यही क्या है अंडरस्टैंडिंग। चलिएगा आज की इस वीडियो को करते हैं अंत, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मेरे पर्सनल नंबर 9921415 पे आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जय हिंद जय भारत।